सबसे मेरा सवाल यह है कि ईश्वर अल्लाह गॉड जो परम सत्ता है वह किसी जात मजहब भेष किसी स्थल का मोहताज नहीं है। वह जर्रे जर्रे में है। कहते हैं हिंदू भी कहते हैं कि ईश्वर कण कण में है। मेरी उम्र वैसे तो अभी 49 की है लेकिन मैं एक स्कूल में अब दाखला लिया हूँ जिसमें अब मैं बड़ा शिशु का ग्रहण कर रहा हूँ। अभी बड़ा शिशु में हूँ तो वहाँ पर इस खुदा का जिक्र भी किया गया और उसका दर्शन भी कराया गया। कहते हैं कि सही मुसलमान वही है जो इस मुसल्लम को जाना है देखा है जो यहाँ नहीं सर्वत्र है इंग्लैंड अमेरिका पाकिस्तान सर्व सारा जहाँ जो है वही ईश्वर अल्लाह गॉड है। वो किसी समय किसी का मोहताज नहीं है। सवाल यही है जो हमें ईश्वर के बारे में बताया गया है तो वो ईश्वर यहाँ पर मौजूद है और डॉक्टर जाकिर साहब उसे दिखा सकते हैं। भाई साहब का सवाल है कि उसने कहा है कि उनकी उम्र 49 इयर्स की है और उसने अभी अभी दाखला लिया है और उसे पता लगा है कि ईश्वर महान है और ईश्वर जर्रे जर्रे में मौजूद है और वो सच कहता है ताकतवर है। अक्सर चीजें जो आपने ईश्वर के बारे में कही हैं काफी हद तक सही हैं, लेकिन इसमें कुछ मिलावट थी। आपकी हिंदू फिलॉसफी की और इस्लाम की मिलावट थी। आपने कहा कि ईश्वर यहाँ मौजूद है सब जगह मौजूद है और अगर मौजूद है तो दिखा सकते हैं कि नहीं। ये हिंदू फिलॉसफी है कि ईश्वर सारी जगह मौजूद है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहते हैं कि ईश्वर अर्श पर है। ईश्वर की ताकत सारी जगह मौजूद है। अल्लाह हैज पावर ऑफ ऑल थिंग्स। अल्लाह की ताकत सारे कायनात पर है। जापान में इंग्लैंड में हिंदुस्तान में वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है अगर चाहे तो। लेकिन ईश्वर सब जगह मौजूद है ये किधर भी नहीं लिखा कुरान में ना कुरान में ना किसी सही हदीस में कि ईश्वर सारी जगह मौजूद है। ईश्वर अरश पर है। और आपने कहा कि ईश्वर अगर मौजूद है जाकिर साहब ईश्वर को दिखा सकते हैं कि नहीं। जाकिर साहब ईश्वर को नहीं दिखा सकते क्योंकि ईश्वर फरमाते हैं अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि इस जिंदगी में आप उन्हें देख ही नहीं पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है कुरान मजीद में। मूसा अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर वो अल्लाह से दरख्वास्त करते हैं कि मैं आपको देख सकता हूँ मैं जानता हूँ कि मैं आपको देख सकता हूँ तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस पहाड़ को देखो उस पहाड़ को एक झलक दिखाऊंगा आप उस पहाड़ को देखो क्या होता है। तो अल्लाह ताला जब अपनी झलक दिखाते हैं उस पहाड़ को देखकर मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो जाते हैं। पहाड़ को देख के ईश्वर को देखा ही नहीं। ईश्वर को हम अगली जिंदगी में अगर उस इम्तिहान में सफलता पाएंगे कामयाबी पाएंगे जब जन्नत में जाएंगे तो इंशाल्लाह हदीस में आता है कि हम अल्लाह का वजह देखना चाहेंगे उसका चेहरा देखना चाहेंगे। इस दुनिया में नहीं देख सकते देख ही नहीं सकते मुमकिन ही नहीं है। हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम भी नहीं देख सकते थे। तो आप अगर पूछेंगे कि अल्लाह मौजूद है तो दिखाओ। और एक चीज मौजूद होने के लिए दिखना जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर ये हवा मौजूद है हमें दिखती नहीं है क्योंकि हवा नहीं देखी इसका मतलब नहीं कि हवा नहीं है। हवा अगर नहीं देखी इसका मतलब नहीं कि हवा मौजूद नहीं है। देखना जरूरी नहीं मानने के लिए कि वो चीज मौजूद है कि नहीं। इसी तरीके से हम इंसान खुदा को देख नहीं सकते इस जिंदगी में। आखिरत में इंशाअल्लाह हम अगर सफलता पाएंगे और जन्नत में जाएंगे तो देख पाएंगे। नमस्कार मेरा नाम वैशाली। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। आपके इस विषय में पूछा है मतलब कहा है कि हर इंसान मुस्लिम कहके ही जन्म होता है तो मेरा तो मानना है और सभी का यही कहना है कि जब बच्चा होता है तो उसका धर्म उसके माँ बाप के धर्म अनुसार होता है तो ये कैसे होता है। बहन का सवाल है कि मैंने कहा मेरी तकरीर में कि हर बच्चा जब पैदा होता है मुस्लिम पैदा होता है तो बहन पूछ रही है कि बच्चे का धर्म अपने वालिदैन का धर्म होता है वो बच्चा पैदा होने के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो दीनुल फितर में पैदा होता है मतलब वो वही कर रहा है जो उसका खालिक उसका ईश्वर उसका अल्लाह चाहता है। वो सांस ले रहा है उस तरीके से जिस तरीके से अल्लाह चाहता है उसका खालिक चाहता है वो जी रहा है उस तरीके से वो फितरत में जी रहा है। उसके बाद वो अपने वालदैन के बताए हुए रास्ते पे चलने लगता है। इसीलिए अगर किसी बच्चे पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है इसके बारे में रिसर्च किया गया है। ये दो ट्राइब 1950 में साइंटिस्ट इसके पास गए
और जानने की कोशिश की कि ये दो ट्राइब इंसानियत के टच में नहीं था। किसी भी मॉडर्न इंसान ने इसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं किया था। उनका कोई भी मॉडर्न ह्यूमन बीइंग से इन्फ्लुएंस नहीं था। जब रिसर्चर गए और तहकीक की के उनके जीने का तरीका कैसा है, तो जानने लगे कि वो एक खुदा को मानते हैं, एक ईश्वर को मानते हैं, इसी की इबादत करने के लिए सजदा करते हैं और शिर्क नहीं करते। वो तहकीक करने के बाद पता चला कि वो इस्लाम फॉलो कर रहे हैं। नाम से मुसलमान नहीं थे, लेकिन जिंदगी के बसर करने का तरीका इस्लामिक था। तो इसलिए ये हमें पता चलता है कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है और उसे आप अलहदा रखते हैं, उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, ना वालदैन का, ना बड़ों का, ना टीचर का, वो बच्चा मुस्लिम जैसा जिएगा। मुसलमान मतलब अपनी ख्वाहिश खुदा के अहकामात के मुताबिक बसर करना, अपनी जिंदगी बसर करना खुदा के मुताबिक। सो ये साइंटिफिक रिसर्च है। इसी तरीके से मैं कहता हूँ, हर इंसान जब पैदा होता है मुस्लिम पैदा होता है। इसके बाद इसके वालदैन उसे गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। हो सकता है कि बुत परस्ती करते हो सकता है कि आग को पूजने के लिए कहेंगे। इसलिए कोई गैर मुस्लिम जब मुस्लिम बनता है, कन्वर्ट कहना गलत है। कन्वर्ट मतलब एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर जाना। रिवर्ट मतलब एक इंसान सही रास्ते पर था, फिर गलत रास्ते पर जाता है, फिर से सही रास्ते पर आता है, उसे कहते हैं रिवर्ट। हिंदी या उर्दू में कहूंगा मैं नौ मुस्लिम कहना गलत है, हिंदी में कहूंगा पलटा हुआ, लौटा हुआ मुस्लिम। ये मेरे खुद के अल्फाज हैं, लौटा हुआ मुसलमान। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा बहन कि आपने इस्लाम के बारे में कुछ जानकारी है आपको? सर मैं रहती हूँ डोंगरी पे, मेरा फ्रेंड सर्कल भी ज्यादा मुस्लिम ही है और मैं ज्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे हूँ। माशाल्लाह, आप मानते हैं कि खुदा एक है? जरूर। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? जी नहीं, मैं यही जानती हूँ कि परमेश्वर, ईश्वर, अल्लाह और जो भी कुछ है वो सब एक ही है। जी हाँ, लेकिन आप मानती हैं बुत परस्ती गलत है या सही है? सर बुत परस्ती का मुझे मालूम नहीं, मैं इंसानियत पर ज्यादा भरोसा करती हूँ, इसलिए मैं बोलती हूँ कि सब एक ही हैं। लेकिन इंसानियत पर भरोसा करते हैं तो हमें हमारे ईश्वर की इबादत करना चाहिए कि गलत चीजों की? क्योंकि आपकी वेद में लिखा है, जैसा मैंने कहा, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3, उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, उस ईश्वर का कोई अक्स नहीं है, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं। तो आपके हिंदू मजहब की किताबें कहती हैं कि बुत परस्ती गलत है, ईसाई मजहब की किताबें कहती हैं बाइबल के बुत परस्ती गलत है, कुरान इस्लाम मजहब की किताब कहती है बुत परस्ती गलत है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बुत परस्ती पर यकीन करती हैं या कि नहीं? सर आप बुत परस्ती का जो बोल रहे हैं इसका मुझे मतलब नहीं समझ आ रहा। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि सब जो ईश्वर, अल्लाह, जो भी कुछ है सिर्फ एक ही है। बिल्कुल सही, ईश्वर अल्लाह एक है। लेकिन अगर आप ईश्वर को, अगर मिसाल के तौर पर ईश्वर को आप कुछ गलत साबित करते हैं और उसे ईश्वर कहें, गलत चीज को ईश्वर कहना सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई कहेगा कि ये टेबल, ये चेयर ईश्वर है, आप मानेंगी? नहीं, ईश्वर है, लेकिन गलत चीज को ईश्वर कहना गलत है कि नहीं? तो ये मैं पूछता हूँ कि जो चीज ईश्वर कहलवाने के लायक नहीं है, जैसे आपके मजहब की किताब में कहा गया है, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई बुत नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई अक्स नहीं, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि बुत परस्ती गलत है या सही है फिर? नहीं सर, वो गलत ही होगा। बिल्कुल सही, माशाल्लाह, आप मानती हैं कि बुत परस्ती गलत है? आप मानती हैं खुदा ईश्वर एक है, ईश्वर अल्लाह सब एक ही है? बिल्कुल सही, आप मानती हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अल्लाह के पैगंबर हैं? सर उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं वो मत प्रदर्शन नहीं कर सकती। बिल्कुल, इसलिए मैं चाहूंगा कि खवातीन के शोबे से मैं मेरे अहलिया से फरमाऊंगा कि आपको कुरान मजीद का तर्जुमा दे। आपको अगर हिंदी आती है तो हिंदी में दीजिए, उर्दू आती तो उर्दू में, मराठी तो मराठी, अंग्रेजी में। आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए और इंशाअल्लाह इस किताब के जरिए आप हिदायत पाएंगे। और अगर कुछ भी उसमें मुश्किलात है तो आप जरूर डोंगरी पे रहते, हमारा इदारा भी डोंगरी पे, आप इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में आ सकते और आपके जो भी शक या शुबह उसे दूर कर सकते। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। शुक्रिया। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें एक हिंदू खातून डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से ये सवाल करती हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसका मजहब उसके वालदैन पर होता है,
लेकिन डॉक्टर साहब ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में और बहुत अच्छे रेफरेंस के साथ ये बात समझाई है कि जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो फितरतन मुस्लिम होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है उसकी परवरिश होती है, उसके वालदैन उसकी परवरिश करते हैं, जिस माहौल में वो रहता है, जो कुछ अपने इर्द गिर्द आस पास देखता है, जिन रस्म व रिवाज को वो देखता है, जिन इबादात को वो देखता है, उसी को अपनाता है। लेकिन फितरतन जो भी बच्चा पैदा होता है वो मुस्लिम होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सिरातुल हक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली मालूमाती इस्लामी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।